तो दोस्तों, किंग खान, शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म की शूटिंग को लेकर आया बड़ा अपडेट। फिल्म में होंगे धमाकेदार सॉन्ग और एक्शन सीन। जी हां, फिल्म की शूटिंग जनवरी 2025 में मुंबई में शुरू होगी। इसके बाद यूरोप में एक मैराथन शेड्यूल होगा। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के निर्माताओं ने किंग की शूटिंग के लिए यूरोप में कई जगहों को चुना है। अगस्त या सितंबर 2025 तक फिल्म की शूटिंग पूरी होने की उम्मीद है। इस दौरान प्रोडक्शन टीम और कलाकार अलग अलग जगहों पर सफर करेंगे। रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया, हमारा प्लान है कि हम अपने एक्शन सीन स्टूडियो के साथ साथ आउटडोर लोकेशन में भी फिल्माएं। इससे कहानी में एक वास्तविकता आएगी। शाहरुख खान के साथ निर्माता एक्शन का एक नया अंदाज लेकर आना चाहते हैं। वह भी इसे लेकर बेहद उत्साहित है। पिंकुला की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग 2026 में ईद पर रिलीज होगी। साल 2026 में ईद 19 या 20 मार्च को हो सकती है। यानी किंग खान की अगली फिल्म रिलीज होने में करीब 18 महीने का समय बाकी है। किंग डायरेक्टर सुजय घोष ने लिखी है और इसका निर्देशन भी वही करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार यह फिल्म एक्शन से भरपूर है। इसमें शाहरुख खान एक बार फिर एक्शन अवतार में नजर आएंगे और अपनी बेटी सुहाना खान की मेंटोर का किरदार निभाएंगे। फिल्म में अभिषेक बच्चन को खलनायक की भूमिका में लिया गया है। शाहरुख खान ने जब से पठान और जवान के साथ बड़े पर्दे पर जोरदार कमबैक किया है, तब से उनके चाहने वालों को उनके नए प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार रहने लगा है। बेटी सुहाना खान के साथ आने वाली शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग की शूटिंग में लगातार देरी होने के कारण फिल्म को रिलीज डेट नहीं मिल पा रही थी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किंग फिल्म में एसआरके के अपोजिट कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही शाहरुख खान की मूवीज से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।